आप लोगों को मेरे चैनल से मोटिवेशन और जिंदगी के हवाले से कुछ अच्छी अच्छी चीजें देखने और सुनने को मिलती हैं। मेरा एक मैसेज, इसी तरह अगर हम आज के दिन एक छुरी और भी फेरें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को मुजाहिद मंगश की तरफ से ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। अल्लाह आप लोगों की कुर्बानी को कबूल करे। आप लोग जहां पे भी हैं, परदेश में हैं, अपने मुल्क में हैं, अपने घर वालों के साथ ईद की खुशियों को एंजॉय करें। आएं इस ईद पर हम वाकई ही इस ईद उल कुर्बान का जो जज्बा है उसको साबित करें अपने अमल से, अपनी बातों से, क्योंकि ये एक ईद नहीं, हम लोगों के लिए एक सबक है। पर एक जज्बा होता है कुर्बानी का। हम सब एक खूबसूरत जानवर लेकर उसको अल्लाह की बारगाह में ज़िबा करते हैं और दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी ये कुर्बानी आप कबूल कर लें। इसी तरह अगर हम आज के दिन एक छुरी और भी फेरें अपने उन जज्बों के ऊपर जो मनफी जज्बे हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, हम अपनी झूठी अना को आज ख़त्म कर दें, हम अपने झूठे दिखावे को आज ख़त्म कर दें, हम अपने झूठे वकार, तकब्बुर और इन सब बातों से, मनफी ख्यालात, इनसे अगर हम आज छुटकारा पा लें तो मेरे ख्याल में हमारी ज़िंदगी मज़ीद खूबसूरत हो सकती है। आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, आप गुरबा और मसाकीन का ख्याल रखें। आप लोगों को मेरे चैनल से मोटिवेशन और ज़िंदगी के हवाले से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देखने और सुनने को मिलती हैं। मेरा एक मैसेज है दोस्तों, ईद का मौका है एंड खुशी का मौका है, लेकिन आज के दिन भी हम जो अब दुनिया की जो परेशानी है कोरोना की शक्ल में, हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। हमें अभी भी एहतियात करनी चाहिए एंड सोशल डिस्टेंस को, अपने हाथों को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें, आपका जो मेल जोल है आप उसमें एहतियात बरतें, क्योंकि एहतियात ही वाहिद हल है इस कोरोना का। तो हमें मिलकर इससे लड़ना भी है और अपने बुजुर्गों का, बच्चों का, अपनी सेहत का ख्याल भी रख। दोस्तों ईदी कुर्बान पे हम अपने रिश्तेदारों और ऐसे हमसायों का हम ख्याल रखें जो कि हमारे नज़दीक हैं, लेकिन शायद हालात, माशी हालात की वजह से कुर्बानी नहीं कर सक रहे। तो आप अपनी कुर्बानी में उन्हीं को याद रखें, वही मुस्तहिक हैं और आपकी कुर्बानी उन्हीं को खिला के पिला कर आपकी कुर्बानी कबूल हो। दोस्तों आज एक ऐसा दिन है, हर कोई बढ़ चढ़ के कुर्बानी के जज्बे से शरशार अपनी कुर्बानियों को अपने परवरदिगार के दरबार में पेश कर रहा है। तो क्यों ना हम आज अपनी झूठे अना को भी ख़त्म कर दें, झूठे दिखावे को ख़त्म कर दें, अपने गुस्से को ख़त्म कर दें, गीबत, परेशानियाँ, नेगेटिव सोच को आज अगर हम ख़त्म करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जो आने वाली ज़िंदगी होगी वो बहुत खूबसूरत बनती जाएगी। हमसे हमारे बच्चे सीखते हैं और हमें अपने बड़ों का ख्याल रखना चाहिए, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह इस आज के दिन से, आज के ईवन से हम बहुत कुछ सीखें, अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करें और अपने साथ साथ बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरते जाएँ। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। ईद में अपना, अपने प्यारों का, अपने अजीज और गुरबा का ख्याल रखें। आप लोगों के लिए दुआ गो मुजाहिद बंगश। खुदा हाफिज़।